सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप निविया क्रीम से एक बहुत ही अमेजिंग और सुपर इफ़ेक्टिव स्किन लाइटिंग और डार्क स्पॉट्स रिमूवल क्रीम बना सकते हैं। निविया क्रीम हम सभी लोगों के घर में आती है और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और सारी स्किन टाइप के और ये सूट भी करती है और इसके मॉइस्चराइजिंग से तो हम सभी वाकिफ हैं। तो इसे एज अ क्रीम यूज़ करके हम बहुत ही इजी, अमेजिंग और सुपर इफ़ेक्टिव फेयरनेस क्रीम बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलते हैं आज के नुस्खे की जानिब। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच निविया क्रीम, थोड़ा सा चाहिए ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को इसमें अच्छे से शामिल कर लें और फिर इसमें एक चम्मच हल्दी डाल लें। बस यही तीन चीज़ें डाल लें और अच्छे से इनको मिक्स कर लें। अब इस क्रीम को किसी भी डब्बी में डालकर स्टोर कर लें। ज़ाफ़रान को स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे स्किन टोन को लाइट करता है और स्किन को नेचुरली फेयर भी बनाता है। ये पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जितनी क्रीम हमें चाहिए उसे अपने चेहरे पर लगा कर अच्छे अच्छे से मसाज करें ताकि आपकी स्किन में ये अच्छे से जज़ब हो जाए। हल्दी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और डेड सेल्स को रिमूव करती है। आप इसको 10 से 15 दिन तक रेगुलरली यूज़ करो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको डे और नाइट क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है कि आप इसे डे में ही यूज़ करें। तो चलते हैं आज के मैसेज की जानिब। इंसान का किरदार संदल के दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कुल्हाड़ी की ज़रब खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।